चेक करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि यार एक बेहतरीन किस्म का ब्रोस्ट खाया जाए, तो फाइनली हम लोग जोहर टाउन में और आज आप लोगों को चेक करवाएंगे हैन एंड बन का कमाल का ब्रोस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लाहौर का बेस्ट ब्रोस्ट है, तो फाइंड आउट करते हैं और आए इनके जरा शशके भी ट्राई करते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं और उनका किचन विजिट ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो आए जरा सबसे पहले किचन पे छापा मारते हैं और देखते हैं कि इनके किचन में क्या चल रहा है। ओके जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमाद साहब जो कि हैन एंड बन के मैनेजर हैं और ये हमें अभी किचन टूर करवाएंगे। हमाद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी खैरियत है? जबरदस्त सर। सर बताएं, इतना ज़बरदस्त किस्म का किचन है सेटअप किया हुआ है, तो क्या खसूसियात है इसमें, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हमारी मशीनरी है, ठीक है, इसमें हम लोकल मशीनरी किसी भी किस्म की यूज़ नहीं कर रहे हैं। टोटल ही हमारे पास हैनी पैनी मशीन है, ठीक है। इसके बाद स्टाफ जो है यहाँ पर काम कर रहा है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए। प्रिवेंट करने के लिए हमने हीट को प्रिवेंट करने के लिए जॉस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके साथ उसमें फिल्टर लगे हुए हैं। टेबल से लेकर मशीनरी तक और एग्जॉस्ट सिस्टम तक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टील में नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंजेक्ट का प्रोसेस है जो कि हमारा वेयर हाउस में हो रहा है, डंप करने का प्रोसेस है जहाँ से इंजेक्टेड चिकन इसमें डंप हो जाता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो ऑयल या वाटर वगैरह उसमें मौजूद होता है वो स्टेन हो जाता है। सेकेंडली ब्रेडिंग काउंटर पे चला जाता है, यहाँ से ब्रेडिंग होती है, ब्रेडिंग होने के बाद वो ट्रे में लगता है एंड देन इट गोज़ टू रेफ्रिजरेटर। तो देन हैनी पैनी मशीन इज हेयर जो हमारा फूड कुक करेगी, ठीक है। इसमें हम ऑर्डर लगा देते हैं और ऑर्डर लगाने के बाद एक सर्टन टेम्परेचर और एक सर्टन उसका टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर मशीन उसको कुक कर रही होती है, जिसके बाद एक बीपर लगता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका टेक अवे है या डाइनिंग है उसको हम उस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं डिफरेंट सेक्शन में। ये कोल्ड स्टोर का हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, और ये चिलर सेक्शन है। यहाँ पर फ्रीज नहीं हो रही होती चीज़ें, लेकिन एक अच्छे टेम्परेचर में मेंटेन हो रही होती है। जहाँ पर जिन चीज़ों को हमें फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है उनको हम इस सेक्शन में मेंटेन करते हैं। इसमें ये हमारा फ्रीजर सेक्शन है। ये कितने दिन का है यहाँ पे, मतलब स्टोर करते हैं कितने दिन? ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर आप फॉर एग्जांपल ईट डेज की बात करें तो ये एक दिन की स्टोरेज भी नहीं है। लो जी, फाइनली हमारे पास हमारी ट्रे आ चुकी है और सबसे पहले अगर इसमें दिखाएं तो हमारे पास जो है वो बन है, जो बर्गर वाला बन होता है, उसके दो पीस किए हुए इन्होंने, फ्राइज हैं ढेर सारे और हाफ ये ब्रोस्ट है। तो उसमें हमारे पास एक जो है वो चेस्ट का पीस आ गया, एक लेग पीस आ गया, उसके बाद ये हमारे पास विंग्स आ गए हैं और ये आई थिंक थाई का पीस है। तो ये चार पीस हैं हाफ के अंदर, तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं पकड़ने से भाई साहब, और कई मोमेंट जो है वो इस वक्त पानी भर चुका है। नहीं जनाब, सबसे पहले लेग पीस ट्राई करते हैं और लेग पीस क्या क्रिस्पी है उस्ताद, ये देखिए। ओह क्या हाफ वाह, हाँ हाँ देखना ज़रा। ओए होए होए होए, ये चेक करो, ये चेक करो लेग को जनाब, पूरे का पूरा ये हड्डी बाहर आ गई है और पूरा लेग मेरे हाथ में। अब इसको ज़रा उनके स्पेशल हनी मस्टर्ड के साथ खाएं। ओहो हो, ये देखो क्या बात है। बहुत मीठी है, दोबारा लेके ट्राई करो। मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन है, ऊपर जो इसकी थिन सी लेयर है ना क्रिस्पी, वो बहुत कमाल की, और ऊपर जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका जो जूसी किस्म का मीट है आउटस्टैंडिंग है, वाकई में वन ऑफ द बेस्ट अगर आप इसको कहेंगे ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा तारीफें सुनी थी और वाकई में जो है ना मैं कमाल कर गया, यहाँ पर एंड कर गया, बहुत बढ़िया। हनी मस्टर्ड बहुत स्पेशल है यार, हल्की सी मिठास जो आती है इसके साथ, क्योंकि ये जो पीसेज हैं वो स्पाइसी हैं फुल, और जब हनी मस्टर्ड के साथ आप ट्राई करोगे तो जो आपको मिठास और स्पाइस का जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर मिलेगा ना, बहुत कमाल का होगा। देखिए आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं कहूँगा। अच्छा, लेकिन इनका जो क्लेम है ना, वो कहते हैं जी हमारे पास नॉन स्पाइसी कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो स्पाइसी है। अच्छा, और स्पाइसी है। अच्छा ये देखो, एक और चीज़, ब्रेस्ट का जो पीस है वो थोड़ा सा चुई हो जाता है, आपको चबाना पड़ता है, और ये बिल्कुल चबाना नहीं पड़ा भाई, मुँह में जाते खुल गया, तो बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बिल्कुल भी जो है वो चबाना नहीं पड़ा, खाए भी जो है ना आप खाते हुए फुल मज़े लेंगे, तो बहुत बढ़िया है। कितने नंबर देगा 10 में से? यार 9.99। 9.99 बहुत
ऋषि को तो लगता बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मैं 10 में से 9.5 दूंगा, आउटस्टैंडिंग टेस्ट।